एक्स्ट्रा टाइम। यस वेलकम टू पिंच हिटिंग का एक और एपिसोड अभिषेक के साथ एक्स्ट्रा टाइम पर। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक रिवाइंड के साथ, बहुत स्पेशल रिवाइंड है। आज ही के दिन 2002 में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था नैट वेस्ट ट्रॉफी में, जो आपको याद ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे सेलिब्रेशंस हुए थे मानो इंडिया ने फिर से आज़ादी ले ली हो इंग्लैंड के हाथों से। कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप्स एंड सुपर इनिंग्स स्टार्टिंग विद वीरेंद्र सहवाग, फिर सौरव गांगुली, उसके बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की पार्टनरशिप, ओहो क्या कहने, एकदम सोने पे सुहागा। इनफैक्ट मोहम्मद कैफ जब बैटिंग करने के लिए उतर रहे थे तो नासिर हुसैन ने उनको बस ड्राइवर कहा था, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि एक बस ड्राइवर चाहे तो पूरे ट्रैफिक की वाट लगा सकता है, और उस दिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एक्चुअली लंदन में ऐसा ज़्यादा होता नहीं होगा, यहाँ अक्सर ऐसा होता है, इसलिए नासिर हुसैन को वो टेस्ट भी उस दिन मिल गया होगा। उस दिन आप क्या कर रहे थे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आज ही के दिन 10 साल पहले ऑस्ट्रेलियन लेजेंड स्टीव स्मिथ, जो कि अब लेजेंड हुए, पहले न्यूकमर थे, उन्होंने अपना टेस्ट मैच डेब्यू किया था। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उनका, शुरुआत उन्होंने एज अ बॉलर की थी और उसके बाद आज अपने टीम के नंबर वन बैट्समैन हैं। ये एक बार फिर से इस बात को सिद्ध करता है कि भले ही आपने शुरुआत एज अ फ्रेंड की हो, बोले तो आप फ्रेंड जोन हो गए हों, लेकिन पूरे लाइफ वो रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। बस साथ निभाते रहना और परफॉर्मेंस देते रहना, स्टेटस कभी भी चेंज हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिखर धवन ने ये फिर से प्रूव कर दिया है कि भले कितने ही अच्छे आप मैन ऑफ द मैच क्यों ना हो, घर पे अगर आपको मैन ऑफ द मैच बनना है तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप ग्राउंड पे करते हो। हो सकता है बिना बात के नाचना भी पड़ेगा बीवी को मनाने के लिए। ये देखो तो आज के पिंच हिटिंग में इतना ही, फिर मिलते हैं, टेक केयर। हिट द सब्सक्राइब ऑप्शन एंड द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स वीडियोस ऑन एक्स्ट्रा टाइम।